दोस्तों, धरती सूरज का चक्कर कैसे काटती है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे कि कुछ इस तरह से एक यूनिफॉर्म ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि ऐसा हमें स्कूल्स में बचपन से ही पढ़ाया गया है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी धरती इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से स्पेस टाइम में मूव करती है। अब देखो, यहीं पर कुछ जानकार लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि हमारी धरती पूरे सोलर सिस्टम के साथ किसी वॉर्टेक्स की तरह इस तरह की मूवमेंट करती है, जैसा कि इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। और यकीनन इस एनिमेशन ने कुछ समय पहले बहुत से लोगों का माइंडसेट चेंज किया था। बट क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आपकी ये सोच भी पूरी तरह से गलत है? क्योंकि धरती इस तरह से भी स्पेस में मोशन को अंजाम नहीं देती। दरअसल धरती और सूरज का मूवमेंट इस नॉर्मल एनिमेशन से बहुत ज्यादा पेचीदा है, और जिस वजह से उसे सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के जरिए नहीं बताया जा सकता। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अर्थ के ट्रू मूवमेंट नेचर से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए जानते हैं धरती के रिवॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, 20वीं शताब्दी से एस्ट्रोनॉमी में हमेशा ऐसे मॉडल का यूज किया जाता था जिसके तहत ये एस्टिमेट किया गया कि हमारी अर्थ एक स्टैटिक ऑर्बिट के अंदर स्टिल पोजीशन पर सूर्य का चक्कर काटती है। लेकिन जब अर्ली 20th सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम और ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत सी नई चीजें एक्सप्लोर की, तो उन सिद्धांतों के आधार पर फिजिसिस्ट एक तुक्के के सहारे ये रिसर्च करने बैठ गए कि जिस तरह से मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपनी ग्रेविटी से आसपास के ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक उसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस हमारे सोलर सिस्टम में भी तो देखा जाता होगा। जिससे ये शंका जताई गई कि जो भी हो, हमारा ऑर्बिट और हमारा पूरा सोलर सिस्टम 100% स्टैटिक तो नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू हुई हमारे अर्थ के मोशन को आइडेंटिफाई करने की जर्नी। अब इस खोज को सबसे पहले ऑन पेपर से शुरू किया गया, लेकिन फिर जब हमारे पास बड़े बड़े स्पेस इक्विपमेंट्स जैसे वॉयेजर, स्पिट्जर और हबल आ गए, तो हमें रियल टाइम डेटा को स्टडी करने का भी मौका मिला। अब सबसे पहले हमें यह पता चला कि अर्थ सूर्य के चारों ओर 29.29 किलोमीटर पर सेकेंड से 30.29 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड रेंज में घूमती रहती है। अब यहां सबसे बड़ा कैच ये था कि जिस सोलर सिस्टम को हम लोग स्टैटिक मानते थे, उस सोलर सिस्टम का मेन एलिमेंट यानी कि हमारा सूरज ही मूवमेंट्स में रिकॉर्ड किया गया। अब यहां पर थोड़ा गौर से सुनना, हर मैसिव ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है, राइट? और इसी वजह से सूर्य अपने चारों तरफ इतने बड़े सोलर सिस्टम को संजो कर रखता है। लेकिन सूर्य की तरह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दो गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न भी झक मारने नहीं बैठे रहते, जिस वजह से जिस तरह सूरज की ग्रेविटी की वजह से ये सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ नाचते रहते हैं, उसी तरह जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से सूरज भी अपनी पोजीशन से शिफ्ट होता रहता है और एक बहुत ही छोटे से सर्कल में अपनी पोजीशन ऑर्बिटल मोशन में बहुत धीरे स्विच करता है। अब देखो, सूरज की पोजीशन में होने वाले इसी चेंज की वजह से सारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसे हमने अपने मिलांकोविच साइकिल वाले वीडियो में बड़े बेहतरीन तरीके से बताया था। अब वीडियो में यहां तक हमने बात करी कि सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं और कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस वजह से उम्मीद है कि आप दो चीजें समझ गए होंगे। पहला, सोलर सिस्टम स्टैटिक नहीं है, और दूसरा, सोलर सिस्टम के अंदर सभी एंटिटीज का मोशन कैसे टेक प्लेस करता है। बट नाउ हमारा सोलर सिस्टम भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, बल्कि हमारा सौर मंडल भी मिल्की वे के सेंटर के चारों तरफ ऑर्बिट करता है एट ए स्पीड ऑफ अराउंड 200 to 220 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज के टिल्ट के साथ घूमती है, ठीक उसी तरह हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी करीब 60 डिग्रीज इंक्लाइंड होकर मिल्की वे के सेंटर के अराउंड चक्कर काटता है। पर इस पर ऐसा प्रभाव क्यों देखने को मिलता है? इसके लिए वैज्ञानिक ऐसा क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद लार्ज स्केल पर बाकी सारी फोर्सेस भी कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम के एंगल को डिविएट करने का काम करती है। नाउ फॉर एग्जांपल, एंड्रोमेडा को ही देख लीजिए। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ करीब 109 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराने के लिए खींची चली आ रही है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों गैलेक्सीज का भी सारा कॉम्पोनेंट एक दूसरे की तरफ एज ए रिजल्ट अट्रैक्ट हो ही रहा
होगा। अब इसके अलावा हम लोग यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिस लार्जर स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसमें भी बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब इस लाइन को सिंपल भाषा में समझाने के लिए हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर जिसमें दसियों गैलेक्सीज आती है, उस सुपर क्लस्टर के अंदर जहां बहुत सी डेंस और मैसिव जगहों पर हाईली अट्रैक्टिव क्लम्स क्रिएट होते हैं, वहीं लोअर डेंसिटी एंड मास वाली जगहों पर रग यानी कि रिपल्सिव अंडर डेंस रीजंस भी फॉर्म होते हैं। और किसी कॉस्मिक एंटिटी या गैलेक्सी की डेंसिटी और मास की वजह से उसकी ग्रेविटी कैसे इफेक्ट होती है ये तो हम आपको रिलेटिविटी के दायरे में कई बार बता ही चुके हैं। और इन्हीं कारणों से वर्गो सुपर क्लस्टर में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर ये सारी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज अपने आप खींचती चली जा रही है, जैसे मानो वहां से कोई चीज मैग्नेट की तरह इन गैलेक्सीज को खींच रही हो। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, वर्गो सुपर क्लस्टर में मौजूद इस मैग्नेट लाइक पॉइंट का नाम है द ग्रेट अट्रैक्टर। अब अगर इन सारी चीजों को एड ऑन कर दिया जाए और छोटी मोटी कैलकुलेशंस करके यूनिवर्सल एडजस्टमेंट्स भी रेक्टिफाई कर दी जाए तो एक कंबाइंड वैल्यू के रूप में हमें ये पता चलता है कि हम आज के डेट में कॉस्मिक एवरेज से रिलेटिवली करीब 627 प्लस माइनस 22 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यूनिवर्स में मूव करते हैं या फिर ट्रेवल करते हैं। हालांकि एक फन फैक्ट यहाँ पर यह है कि CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रीडिंग्स के हिसाब से हमारे सूरज की मोशन स्पीड रिलेटिवली 368 किलोमीटर पर सेकेंड कैलकुलेट की गई थी, पर चूंकि हर बेटर इंस्ट्रूमेंट जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोबी, WMAP एंड प्लैंक के साथ हमारी रीडिंग्स और रिफाइन होती गई, इसीलिए आज के समय में 368 किलोमीटर पर सेकेंड की इस वैल्यू को एक्यूरेट नहीं माना जाता। अब हमने आपको इन सारे फोर्सेस के बारे में बता दिया जिसकी वजह से हो सकता है हमारी मिल्की वे इंक्लाइन होकर मूव कर रही हो, जिसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस इंक्लाइनमेंट का रीजन कुछ और भी हो सकता है। पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि सिंस हमारा सोलर सिस्टम 60 डिग्री पर टेढ़ा झुका हुआ है, इसीलिए ये गैलेक्सी में समय के साथ साथ किसी टाइड की तरह ऊपर भी जाता रहता है। इन शॉर्ट, जिस तरह से हमारी धरती सूरज का चक्कर एक फिक्स्ड पैरेलल पोजीशन पर काटती है वो हाल हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। अब देखो, जिस तरह से अगर आप किसी रॉकेट को 60 डिग्री के एंगल पर जलाकर छोड़ेंगे तो वो ऊपर की ओर जाएगा और फिर बाद में नीचे भी गिर जाएगा, उसी तरह हमारा सोलर सिस्टम भी आगे बढ़ने के साथ साथ करीब 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर भी जाता रहता है। अब जब तक हमारे सौरमंडल के नीचे ऊपर के मुकाबले ज्यादा मैटर नहीं होगा तब तक हम ऊपर की तरफ ही जाते रहेंगे, लेकिन एक टाइम बाद जब सोलर सिस्टम के नीचे ऊपर के मुकाबले एक्सपोनेंशियल मैटर होगा तो उसी एक्सपोनेंशियल मैटर की वजह से क्रिएट होने वाली ग्रेविटी के कारण हम खुद ही नीचे की ओर आ जाएंगे एंड वाइस वर्सा फॉर रीएक्सेलरेशन टू द अपर साइड। करीब 300 मिलियन सालों तक यही साइकिल चलती रहेगी और हम ऊपर नीचे यूं ही डोलते रहेंगे। नाउ बेसिकली अब हमने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का मूवमेंट समझ लिया है, आउटर फोर्सेस समझ ली है, अपनी गैलेक्सी के चारों ओर होने वाले रिवॉल्यूशन को भी समझ लिया है, इसीलिए अब बारी आती है हमारे मूवमेंट का एक क्लियर आइडिया लेने की। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो हमारे सौरमंडल का मोशन वर्टिकल नहीं बल्कि इन्हीं वेलोसिटीज का नतीजा है। अब इसी बात को ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं। देखो, मान लो अगर हम उसी मॉडल को देखें जिसे हम सेकंड क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं तो हमें आपको हमारे सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर काटते हुए दिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि इसी मॉडल को केवल 60 डिग्री झुका देना है और प्लैनेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। बस अब इसी झुके हुए सोलर सिस्टम को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करने के साथ साथ ऊपर की ओर भी हल्का पुश करना होगा। और हाँ, मैं यहाँ फिर से बोलता हूँ कि प्लैनेट्स को बेमतलब में सूरज से अनपैरेलल रखने की जरूरत नहीं है, बस अपने उसी बेसिक मॉडल में इतने छोटे चेंजेस करने के बाद अब आप जो अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं दिस इज एग्जैक्टली हाउ आवर सोलर सिस्टम मूव्स अलोंग विद आवर अर्थ, ना एक पॉइंट कम ना एक पॉइंट ज्यादा। अब समझे कि ये कितनी आसान और सरल सी बात थी जिसको बस लोगों ने हवा बनाकर रख दिया था। और देखो, इसीलिए अगर आप भी अपने किसी दोस्त को सिंपलिस्टिक तरीके से कॉम्प्लेक्स सोलर सिस्टम मूवमेंट को समझाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।